सम्मानित नागरिकों नमस्कार। प्रवीण मिश्रा मिशन ग्रीन दिल्ली के लिए पुनः एक नए मिशन पर कि हमारी पर्यावरण को हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं, और जो लोग भी इस बात से चिंतित हैं कि उनके पास फ्लैट है और वो टेरेस फार्मिंग या बालकनी फार्मिंग को सक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो उसी के लिए एक हम लोगों की टॉपिक है ग्रीन टॉक्स। ये लगभग एक घंटे की टॉपिक होती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं आपके घर में जाके कि आपकी क्या समस्या आ रही है, आने वाला सीजन क्या है, और आप किस तरह से अपने बालकनी गार्डन या अपने टेरेस को सक्सेस करेंगे। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में, और हमारे साथ हैं मिस आयुषी जैन। आयुषी जैन अपने बारे में और डिटेल में बताएंगी, और हम चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें आप तक भी पहुँचे। इस पूरी परिचर्चा में कहीं भी कुछ चीज़ें आप जो सीख रहे होंगे, जान रहे होंगे, इसके बावजूद भी आपको कहीं और कन्फ्यूजन रहा हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मिशन ग्रीन दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे, या इंडिविजुअली मेरे पास भी आप कर सकते हैं। तो जानना चाहूँगा कि आपने क्या सोचा, अपने सेंटिमेंट में क्या रखा, और किस तरह से हम लोग आपस में बात कर पा रहे हैं। यस, आप क्या करते हैं अभी? बढ़िया। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आइए फिर देखते हैं आपका बालकनी, एक बार विजिट करते हैं। ठीक है, आइए प्लीज। बहुत ही अच्छा, कम से कम इतना तो है कि इन्होंने कुछ कर रखा है, और ये हमें बिल्कुल बल देता है। जब आप अपने बालकनी में या टेरेस में इस तरह का माहौल बना के रखते हैं तो आप समझिए कि आपने कुछ कहीं ना कहीं शुरुआत कर रखी है। स्टैंड्स में है, बहुत सारे इन्होंने डेकोरेटिव प्लांट्स लगा रखे हैं, और ये स्टैंड पर है। इस जगह में खासियत एक यही देख रहा हूँ कि जहाँ तक सन का प्रोविज़न है तो यहाँ पर हाफ डे के बाद, दोपहर के बाद यहाँ पूरा सनी है शाम तक के लिए। किसी भी पौधों को चलने के लिए कम से कम 2 से 4 घंटा की धूप की ज़रूरत है, और धूप के बाद हम आते हैं मिट्टी पर, सॉइल पर। ठीक है, देखिए ये आप यहाँ टच कीजिए, ये हार्ड मिट्टी है। आपकी मिट्टी कम से कम इतनी हो कि भुरभुरी हो, 10% मॉइस्चर हो, और जब भी मिट्टी हाथ में उठा लें ऐसे टाइट करें तो लड्डू जैसा बन जाए। इस वाले में पानी ज़्यादा है, ये कोलियस है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें पानी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, क्योंकि ट्रॉपिकल वेदर का है फिर इसलिए सर्वाइव कर रहा है। अदरवाइज यदि आप सर्दियों के फसल में इस तरह से ज़्यादा पानी रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी। गुलाब में भी ठीक है। यस, और कोई क्वेश्चन है आप बताइए, पूछिए। इस जगह में विंटर सीजन को देखते हुए आप सारे लीफी वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स में जैसे अभी आप लगा सकते हैं धनिया, पालक, मेथी, है ना, लेट्यूस, लोलोरोसो, ठीक है ना, पार्सले, ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा भी और कुछ चाहते हैं, टमाटर भी लग जाएगा आपका, हाँ लग जाएगा, टमाटर भी यहाँ पर अच्छा चलेगा। लेकिन मेन हम उस पर बात करते हैं कि आपका 5S को आपको सक्सेस करना होगा। 5S क्या है ये समझिए। सबसे पहले तो आपका आएगा सन, फिर सॉयल, फिर सीड, फिर सैपलिंग, और देन आएगा सक्सेस। यदि आपका इन रूट में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल, तो ये कहीं ना कहीं जाके परेशानी आएगी। तो सबसे पहले सन है यहाँ, सॉयल हमें अच्छा बनाना होगा, सॉयल मिक्स तैयार करने की तकनीक मैं आपको दूंगा। इसके बाद हमारे सैपलिंग्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जब हम बात करते हैं तो ओके हो जाएगा। आने वाला समय और भी ज़्यादा बेहतर होगा, और हम चाहेंगे कि आपके यहाँ पूरा सक्सेस हो। इस दिशा में आपको यदि कहीं तकनीकी जानकारी चाहिए होगी तो उस पर भी हम बात करेंगे। जी मैम, आइए और बैठ के फिर बात करते हैं। ग्रीन टॉक, ये मिशन ग्रीन दिल्ली के लिए हम लोग पहुँचते हैं लोगों के घर में कि आप अपने घर से निकलने वाले कचरे को अपने घर में ही डिकम्पोज करके खाद बनाइए, और उससे हम अपनी पूरी वातावरण का जहाँ सुरक्षा करते हैं, वातावरण के सुरक्षा के साथ साथ हमें भी कुछ हासिल होता है।
बिना केमिकल के घर में सब्जियां उगाना, इवन आप जब बालकनी फार्मिंग करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं, या फिर आपके पास और भी जगह की कमी हो, तो आप कर सकते हैं माइक्रोग्रीन्स की तरफ रुख। माइक्रोग्रीन्स छोटे छोटे पॉट में आपके दो लीव्स वाले कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप यदि आप लीफी वेजिटेबल्स में जाते हैं तो सारी चीज़ें मिलती है, यदि आप नॉन लीफी में भी जाते हैं तो जो दो पत्तों तक की चीज़ें हैं वो आप खा सकते हैं, सैलेड में भी यूज़ कर सकते हैं। यस, आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सॉइल को बेटर बनाने का एक बहुत ही एक बैलेंस वे में आइडिया है, बैलेंस वे में आइडिया है कि अभी दिल्ली में हम कहीं से भी मिट्टी लेके आते हैं, और वो कहीं से भी मिट्टी लेके आते हैं, उसको हम एक प्लांटर में डालते हैं, पौधा डालते हैं, और हम सोचते हैं कि चल निकलेगा, सो दैट ये आपका हार्ड हो रहा है। हाँ, जब हम इस मिट्टी की बनाने की तकनीक पर जाएंगे तो उस सारी चीज़ें आपकी पौधों को भी उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, इस पर हम अभी आपको डिटेल में बताते हैं। साथियों नमस्कार, उपस्थित होते रहूँगा, जानकारी साझा करते रहूँगा, और पुनः उपस्थित होता हूँ आपको थोड़ी देर में।